नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के हालात कोर्ट में खाद जैसे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में अब कुछ सप्ताह के आयात के लिए रकम बची है, जिसे देखते हुए विदेशी कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें माल ढुलाई के लिए जल्द पैसा नहीं मिला तो वे पाकिस्तान की सभी शिपिंग लाइन बंद कर देंगे। शिपिंग कंपनियों का कहना है कि उन्हें काफी समय से माल ढुलाई का पैसा नहीं मिला है। जिस तरह के देश में हालात बने हुए हैं, उसे देखकर उन्हें आशंका हो रही है कि कहीं पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच चुका कंगाल पाकिस्तान अब अपने आयात का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। आयात किया जाने वाला ज्यादातर सामान बंदरगाह पर ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब संभव है कि पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जहाजों का आना जाना ही बंद हो जाए। जहाज एजेंट्स ने सरकार को आगाह किया है कि विदेशी शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान के लिए अपनी निर्यात सर्विस को बंद करने पर विचार कर रही है, क्योंकि डॉलर की कमी के कारण बैंक उनका माल ढुलाई का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर शिपिंग लाइन बंद हो जाती है तो सामान बेचकर जो डॉलर पाकिस्तान पा रहा है, वह उससे भी हाथ धो बैठेगा। पाकिस्तान के सीमावर्ती देशों को अगर छोड़ दे तो लगभग सभी देशों से व्यापार समुद्र के जरिए होता है। इसमें किसी भी तरह की रुकावट पाकिस्तान के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ ने वित्त मंत्री इसाक डार को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि पाकिस्तान में विदेशी शिपिंग कंपनियां अपना व्यापार समेटने का मन बना रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद हो गया तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। दरअसल शिपिंग सेवाओं में कोई भी व्यवधान देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसे में यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। PSA के चेयरमैन ने पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद, वाणिज्य मंत्री सैयद नवीद और समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सबजवारी को भी पत्र लिखा है। अब्दुल रऊफ ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे शिपिंग लाइन को चालू रखने के लिए हस्तक्षेप करें। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का विदेशी व्यापार शिपिंग लाइन पर निर्भर है। पेमेंट न होने से समुद्री व्यापार में बाधा आनी शुरू हो गई है। जहाजों में कंटेनर सबसे अधिक महंगे होते हैं। तरल पदार्थ या अनाज को निर्यात करने में सामान्य तौर पर इनकी जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान की सरकारी नेशनल शिपिंग कंपनी के पास केवल 12 जहाज हैं और इनसे वह सिर्फ कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम ईंधन का आयात करता है। पाकिस्तान का वार्षिक भाड़ा बिल लगभग $5 अरब है। जहाज एजेंट्स के मुताबिक वर्तमान स्थिति के कारण शिपिंग क्षेत्र पहले से ही आर्थिक उतार चढ़ाव को देख रहा है। उनकी पेमेंट न होना किसी भी भारी व्यापार को बाधित करेगा। PSA के चेयरमैन मोहम्मद राजभर ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जितनी आज खराब है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक सुधारों की जरूरत है। वहीं सऊदी अरब और यूएई भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को वह और ज्यादा भीख नहीं दे सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक पाकिस्तान में बीते शुक्रवार को साप्ताहिक महंगाई दर बढ़कर 31.83% पहुंच गई है। देश भर के 17 शहरों में 50 बाजारों के सर्वेक्षण के आधार पर 51 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी के आधार पर ब्यूरो ने बताया कि बीते सप्ताह में 51 में से 23 वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, 11 की घटी है और 17 स्थिर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।